हरे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है हरतालिका तीज, तो हरतालिका तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शाम के 4 बज रहे हैं और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और पूजा का भी टाइम होने वाला है और प्रिपरेशन ऑलमोस्ट मेरी हो गई है और अभी बोला भी नहीं जा रहा है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है। बट तो ये हमारी पूजा की तैयारी, और यहाँ पर अभिषेक के लिए अरेंजमेंट किए हैं भगवान का। तो अभी आ गए हैं किचन में और खाना बनाने की तैयारी अभी शुरू हो गई है। इधर बना रहे हैं शाही पनीर और ये कट करके सब हो गया है और पूड़ियाँ बनानी हैं, सेवई बन चुका है। तो कुछ कुछ काम है, कुछ कुछ नहीं है, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, हालत बहुत ख़राब है। तो फटाफट काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। और ये मैंने मेहंदी वेहंदी लगा लिया था रात में ही, इधर भी दोनों ही हाथ में। तो यही है, पहले मैं खाना बना लेती हूँ, फिर इसके बाद मिलते हैं पूजा के टाइम पे। तो ये पूड़ियाँ बन चुकी हैं, ये सेवई बन गया और ये है शाही पनीर। तो कुकिंग का ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया है, अब उधर चलते हैं। सबसे पहले अभिषेक करते हैं, शाम की आरती करेंगे और फिर इसके बाद रेडी होके पूजा करेंगे जो व्रत का है। आरती शाम की जो हम लोग करते हैं वो हो चुका है और इधर पूजा का ऑलमोस्ट सारा प्रिपरेशन आप देख सकते हैं हो चुका है। और बस अभी चूँकि 6 बज रहा है, 6:30 के आसपास से जो मुहूर्त है वो आई थिंक स्टार्ट हो रहा है, 6:30 to 8:30 तक। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने और फिर इसके बाद फिर से पूजा करेंगे। तो इधर इन दोनों लोगों का चल रहा है क्रिकेट, लो भाई बॉल ले लो। तुम्हारी बहन गुस्सा हो रही है। उठी भाई, वाओ 6। रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं अभी पूजा करने के लिए। तो पूजा अब जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। महादेव देवो महादेव।
आनंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम विचरही मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। भगवान शंकर की जय। शंकर पार्वती जी विवाह की जय। अभी विवाह हुई। सत्य ऋषियों ने पूछा कि आप क्या चाहती हैं, आप किस लिए ये इतनी तपस्या कर रही हैं? देखो मुनि अविवेक हमारा चाहिए सदा शिव ही भरतारा। तभी शिव तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे, तो मैं यहाँ तपस्या करके शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। नारद सीख जे सुनहि नर नारी अवस होई तजि भवन भिखारी। और ये तो सबको पता है कि नारद की बात जो माना वो भिखारी बना। हे भगवान, उसका घर बार सब चौपट हो जाता है, भिखारी बन जाता है। सगर के घर गए, उनके 80,000 बेटों को सबको साधु बना दिया, उतने ही देर में जितने देर में सगर गए थे स्नान करने। माया भगवान शिवो सकल जगत पितु मां। क्या बात है, जय जय। फिर उन्होंने प्रणाम किया पार्वती जी को, कहा कि आप माया हैं और भगवान शिव जो हैं जगत के पिता हैं और आप जगत की माता हैं। जगत माता और आप जगत पिता हैं, हम तो आपकी केवल परीक्षा लेने आए थे और आपको हम प्रणाम करके अब हम जा रहे हैं। जाइए पहने और ब्याला भी पहने। ब्याला मतलब सर? अच्छा अच्छा। कर त्रिशूर अरु डमरु विराजा चले बस चढ़ी बाजही बाजा देखि सिवई सुरती मुस्काही पर लायक दुलही जग नाही। रास्ते में सारी स्त्रियां देख देख के मुस्कुरा रही हैं कि भैया ये शादी करे चला है, इन्हें कौन लड़की भेजिए। सुर समाज सब भांति अनुपा नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा नहीं मन महेश मुस्काही हर के व्यंग बचन नहीं जाही शिव अनुशासन सुनि सब पाए प्रभु पद जल जसीस तिन नाए नाना बाहन नाना वेशा वेसे शिव समाज निज देखा को मुख ही न विपुल मुख काहू। कोई किसी का मुंह ही नहीं है और किसी को हजारों मुंह है। अभिनु पद कर को बहुपद बाहु किसी के पास पैर नहीं है तो किसी के पास बहुत सारे पैर, हर तरह के लोग। मैना हृदय भयो दुख भारी लीनी बोली गिरीश कुमारी। नारद कर मैं काह बिगारा भवन मोर दिन बसत उजारा। मैना जी कह रही है कि हमने नारद जी का क्या बिगाड़ा था कि घर बसने के पहले ही हमारी बेटी का घर उजड़वा दिए। अस उपदेश मही जिन दीना बौरे बरही लागी तप की धाम। ऐसा उपदेश दीजिए कि जा करके तपस्या कर करके वह सोचे उनके मोहन माया उदासीन धन धाम न जाया। नारद को गाली दे रही है, ये तो अपने साधु हैं, न घर है न धाम है न जाया न पत्नी है पत्नी बेटे बाज है। पर घर घालक लाजन भीरा घर में पहुंच के कुछ अपना खा पी लेते हैं, कोई लज्जा तो है नहीं जीवन में।
बाज की जान प्रसव के पीड़ा, उनका वही हालत है जैसे कोई बाज स्त्री को प्रसव की पीड़ा को कैसे समझ पाएगी। अजननी बिलक बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदु बानी, अस विचार सोचहु मति माता, सोनट रही जो रचई विधाता, करम लिखा जा बाउल नाहिं, तो कत दोष लगाई काहूं। तो पार्वती जी कहती है ऐसे मत बोलिए माता जी, ऐसे मत बोलिए, जो ब्रह्मा जी ने रचा है वही होता है, इसमें किसी को दोष देने का कोई वो नहीं है। तुम संग मिटेगी विध के अंका, मातु व्यर्थ जन ले हूँ कलंका, जन ले हूँ मातु कलंक करुणा, परिहर हूँ अवसर नहीं, दुख दुख सुख जो लिखा मिलार हमारे, जाब जह पाऊब तही। जो दुख और सुख दोनों लिखा है, जहाँ भेजोगे वहीं वो मिलेगा, वो छूटेगा नहीं उससे। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनऊ मम वाणी, जग संबा तब श्रुता भवानी। तो नारद जी कह रहे हैं कि आप लोगों को पता नहीं है, नारद जी ने पुरानी सारी कथाएं सुनाई और मैना जी को बोला कि आप बात मानिए, आपकी पुत्री जो है वो जगदम्बा है, वो पार्वती जो है वही जगदम्बा है, और वो हमेशा सदा शिव जी के साथ ही निवास करती हैं, इसलिए इसमें कुछ भी अनुचित नहीं हो रहा। अजाय अनादि शक्ति अविनाशी, सदा शंभु अर्धंग निवासी, सदा शिव शिव जी के साथ रहती हैं, उनके हाफ अंग में निवास करती हैं। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। क्या सुंदर भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि गिरिजा तो सर्वदा शंकर प्रिया है, ये आपको और हमको लग रहा है कि आपकी बेटी है उनकी बेटी है, ये तो अविनाशिनी है, अनादि है, शक्ति है, और पार्वती जी, और ये हमेशा शंकर जी के साथ ही सदा विचरण करती है, निवास करती है, तो ये एक लीला चल रहा है, उस लीला में आप उनके माता पिता के रूप में हैं। सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषा, छन मह व्याप्यं सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब मैना हिमवंतर नंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तब हिमवंत और मैना जी बहुत प्रसन्न होकर के बार बार पार्वती जी के चरण की वंदना करते हैं। शंकर जी कहेंगे कि नारद जी देव पता नहीं क्या मंत्र देते हैं, सब खुश हो गए। भांति अनेक भई जेवनार, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहार। सूप शास्त्र स्त्रियों का एक सूप शास्त्र चलता है शादियों में, सूप में ऐसे करके घुमाती है ना। अच्छा, हाँ 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 हाँ, वो सब भी किया मैना जी ने। अच्छा, पार्वती जी के साथ। गाड़ी मधुर सुर देही सुंदर, व्यंग बचन सुनावही, भोजन करही सुरयति विलंब, विनोद सुनि सचुपावही, जेवत जो बढ़ो आनंद सो, मुख कोटि हूँ न परे कहो, अचवाई दीने पान गवने, बास जाको रहो। विवाह की जो गाड़ी होती है अपने अवधि में, उसमें इतना आनंद लोगों को होता है कि उसी के आनंद में लोग खाते हैं। क्या बात है। जेवत जो बढ़ो आनंद, कहने की जैसे जैसे गाड़ियां होती हैं, जेवत मतलब खाना खाते समय, भोजन ग्रहण करते समय आनंद और बढ़ जाता है। अच्छा, स्त्रियों के मुख से गाली सुन के क्या बात है। बहुरी मुनि ने यह उमा शंभु विवाह से, नर नारी कहें जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल,
सर्वदा सुख पावनी। चरित सिंधु गिरिजारमन वेदन पारही पावही पार। वर्ण तुलसी दास किमी अति मति मंद गवान। भगवान शंकर पार्वती विवाह की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। यही था आज का जब ब्लॉग, ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि ऑब्वियसली फास्ट था तो हालत बहुत ख़राब थी। और तो इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।